हजरत मोहम्मद साहेब वेले दी गल है। एक हकीम दी आदत सी, ओह शहर शहर जांदा ते जिथे किसी नूं दवाई दी लोड़ हुंदी शहर दे बाहर ही कुछ दिनां वास्ते अपना डेरा लगा लैंदा। एवें ही एक दिन बाहर बैठा सी किसी शहर दे, दवाइयां ते कुछ होर समान नूं उन्हें बड़े सुचज्जे ढंग नाल टिकाया। पर हैरानी इस वार इस गल दी कि काफ़ी दिन लंघ गए ते उस कोल कोई मरीज नहीं आया। बैठा ओह मन ही मन बड़ा औखा होया, खुदा खैर करे ये किवें हो सकता है, इन्ने दिन लंघ गए ते इस शहर दा कोई बंदा बीमार नहीं होया। शहर जाण ते उसनू गल समझ आई जो इस हकीम नू खुद मुहम्मद साहब ने समझाई। उन्हां कहा, बीमारियां तो बचे रहन वास्ते मैं अपने प्यारियां नू एक तरकीब दे रखी है जेड़ी कि साढ़े इत्थे लोकां ने आदत भी बना रखी है। देखो ज़्यादातर बीमारियां दा कारण हुंदा है साढ़े द्वारा खाया जाण वाला वादू खाना। इसलिए आज तो बाद एक विचार नेम बनाउणा कि जिन्नी कु भुख होवे उस तो अद्धी रोटी घट ही खाना। ऐतकी फिर हकीम ने पैसा नहीं जे कमाया, पर बिना दवाई तो बीमारियां दा इलाज किवें करना है वो जरूर सिखाया। वीडियो शुरू करने तो पहला बस एक मिनट की गल, आ अपना स्कैड्यूल है भावें स्क्रीन शॉट रह के रख लियो। तुसी सोमवार ते बुध मंगलवार आप प्लस वन अकाउंटेंसी कराने शामी सही 5 बजे, बिल्कुल सही। बुधवार नू 10th इकनोमिक्स पंजाब बोर्ड वाले वास्ते, ते वीरवार नू 10th इकनोमिक्स CBSE वाले वास्ते, शुक्रवार शनिवार 10वीं दा मैथ। ठीक है जी, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है जसप्रीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो सिंह सांस कंसैप्ट क्लासेस 2.0। अज आपां कंटिन्यू करन लगे हां जिवें कि तुहानूं दस्सिया सीगा हर शुक्रवार ते शनिवार आपां मैथ्स करना हुंदा 10वीं क्लास दा। अज आपां करन लगे हां जी एक्सरसाइज 1.2 दे कुछ क्वेश्चंस जिहदे नाल तुहानूं इस चैप्टर दा जिहड़ा दूजा टॉपिक है बड़े वधिया तरीके नाल समझ आ जाएगा, इह मैं गरंटी लैंदा। ते अपने कोल क्वेश्चन हैगा जी, हेठ दित्तियां संख्यावां नूं उहनां दे अभाज गुणन खंडां दे रूप विच दर्शाओ। इंग्लिश क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। उपर तुहानूं स्टेटमेंट लिखी दिख गई होगी। आपां ने क्या करना है, आपां ने इह नंबर नूं किहड़े नंबर नूं आ 140 नूं, इस नूं आपां ने प्राइम फैक्टर्स जिहनूं आपां अभाज गुणन खंड कहिंदे आ इस दे रूप च दिखाउणा। ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 4th-5th 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੀ 140 ਦੇ ਟੇਬਲ 140 'ਤੇ ਕੱਟਣਗੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਭਾਜ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 2 ਹੈ ਜਿਵੇਂ, 3, 5, 7 ਹੈ, 11 ਹੈ, 13 ਹੈ, ਫਿਰ 17 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨੇ 1 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ 1। ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਜਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ 4 ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਭਾਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹ 2 2s 4 ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 4 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 1 ਵੀ ਆਉਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣਖੰਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜ ਹੈ ਨਾ ਅਭਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਯੂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਅਭਾਜ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ ਜੇ 2 ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 70 'ਤੇ ਗਿਆ, 2 'ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ 35 'ਤੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ 5 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, 5 × 7 = 35, 7 × 7 = 7। ਉਸਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ 2 × 2 = 4, 5 × 20, 7 × 140, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਹੋਮਵਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ 156 ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ 3825, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। 5005, ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ 7429, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦਾ ਸੁੱਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ HCF ਅਤੇ LCM ਪਤਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਾਇੰਡ HCF ਐਂਡ LCM ਐਂਡ ਓਲਸੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ HCF ਇੰਟੂ LCM। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ HCF ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ LCM ਕਰਨਾ। ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ HCF ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। CBSE ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ HCF ਕੱਢਣਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਵਰਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਥਡ, ਵਰਤੋ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 1.1 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ। ਚਲੋ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਆਏਗਾ 26 × 3 = 78, 3 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 1 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 13 × 26 ਦੇ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੁੰਦਾ HCF ਦਾ 13 ਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ LCM ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ LCM ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਿ 26 ਅਤੇ 91 ਇਕੱਠੇ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹਾਈਫਨ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਨਾ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 2 ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ 26 ਕੱਢਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਢਦਾ, 13 'ਤੇ 91 ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਨਾ
टू द टेबल से 91 डिवाइड करके देखो तुम साइड से, नहीं कटदा, छड़ दो यार, एडा कड़ा हुआ है, आप कटाने ही है। तो इस तो बाद जी 91 जितक मैं पता 7 दे कटदा, तो 13 देखो फिर 7 नहीं कटदा, नहीं कटदा छड़ दो, एडी कड़ी गल है। 7 टेबल से 91 डिवाइड करोगे 13 आएगा। हम दोनों अपन कुदरती 13 मिल गए, तो 13 आप 13 एकम 13 ठीक है। एलसीएम वास्ते देखो एलसीएम आ तिना की मल्टीप्लाई 1 1 तो यूज करने की लड़ नहीं, आ तिना की 2 × 7 × 13 ये आएगा जी 182 आ गया। तो अपना काम मुक गया, बट एक पॉइंट हाले भी रहा। उन्होंने कहा हाँ मेरे को बुक है कि सामने, कहने से वेरीफिकेशन भी करो, वेरीफिकेशन करनी है, जांच करनी है, तो इतने आप हैडिंग बनावांगे जांच, या इतने लिखांगे आप इंग्लिश वेरीफिकेशन, ठीक है जी। पड़ताल भी लिख सकते हो, आई थिंक वही वर्ड वधिया सीगा। हुण करनी की है जांच, आद फॉर्मूला यूज करना। मैं पहले इंग्लिश लिखदा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM, ठीक है जी। पंजाबी लिखी हूँ संख्यावां दा गुणनफल बराबर है HCF इनटू LCM। अगली गल बस आप हूँ मल्टीप्लाई कर दो 26 × 91 SF इंटू LCM, आ HCF है जी, आ LCM है जी, 13 × 182। तो तुम बस करना की है, तुम इतने इन्हों की गुणा करनी है, ठीक है। तो मैंने पूरी उम्मीद है गुणा करके बराबर आऊगा। इन्हों का गुणा करके कि आता मैं नीचे कमेंट बॉक्स से दस्यो। अगला क्वेश्चन सौखा जहा तो प्यारा जहा। एक गल होर भी खास है कि ये आवाजा आ रही है, एक्चुअली नाल कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट चलो कोई गल नहीं, गुरुद्वारा साहब कुछ बना रहे हैं उत्ते, चलो आप अपना काम तो करना ही है। हाँ जी 12, 15 ते 21 केंद्र हेठ लिखिया संपूर्ण संख्यावान का HCF ते LCM कड्डो, बट अपाज गुणनखंड विधि राही कोई खास मैथड यूज करना है, एवं नहीं कर देना आंसर। इतने लिखा पाया बुक च मेरी, इतने हैगा जी फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अपलाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। मैं स्टेटमेंट उपर भी लिख दूंगा थोड़े वास्ते। प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड की मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड यूज करके HCF ते LCM कढ़ना है। HCF ते LCM आप कढ़ना है जी, पहले वाला मैथड नहीं यूज कर सकते। हूँ आप वरतेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। यह मैथड है कि जो अपाज गुणनखंड विधि है आप किया ना 12 के गुणनखंड 15 के गुणनखंड 21 के गुणनखंड। अपाज गुणनखंड बनाने मैं तुम्हें हमने सिखाए थे क्वेश्चन नंबर 1 च, तो आप बनाने दोबारा 12 के बनाओ जी, 2 × 6 = 12 2 × 3 = 6 3 × 1 = 3 आसान से। इस तो बाद बनाओ जी 15 दे 3 × 5 = 15 5 × 1 = 5 ठीक है जी। इस तो बाद बनाओ 21 दे 3 × 7 = 21 7 × 1 = 7 आसान बहुत है कोई शक नहीं, बट फिर भी बच्चे गलती कर जाते हैं। वो तो वह गलती कि करे तुम बस मैं वो दसना है, प्लीज़ सुने ध्यान ना। अगर सपोज करो मैं इसनों करन लग गया, मैं इदा कर लेंदा 6 × 12 = 2 = 2 अगर मैं इदा करदा बूम गलत है, ये गलत है। तो गलत क्यों है मैनू इहदा कारण कमेंट करके दस्सो दस्सो जरा, मैं भी देखना चाहना भी तुहानू पता लगे कि नहीं लगे भी ये गलत क्यों है, सोच के देखियो। चलो देखो अगे जी अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर ली है, यूज करो 12 2 × 2 × 3 15 जी
तीन गुणा पांच ते इक्की दा तीन गुणा सत्त। मैं नकल मार के लिखे तो टेंशन वाली गल नहीं, देख के लिखना है। अगे हुण ध्यान देखियो जी, एच सी एफ की होंगे, इतने एल सी एम की होंगे, भी आप इतों किमें कढ़ीए। देखो जिहड़ा इत्थे सी पा रखे, सी का मतलब है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन सी का मतलब तो कॉमन है, कॉमन का मतलब होंगे सांझा, समथिंग कॉमन। हुण माड़ा जिहा कोई समझो, प्लीज़ प्यार ना समझो, गल इदा है कॉमन कढ़ना। चलो पहले एच सी एफ ही देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कढ़ना है। कॉमन फैक्टर कड़े कड़े ने, पहली गल तो दसो कॉमन फैक्टर कड़े कड़े ने, तीन आ तीन आ तीन, यही दें कॉमन, होर तो है नहीं, ठीक है ना। हुण ए कॉमन है जी, बस तीन कॉमन है इस। देखो जिहड़ा कॉमन है, एक तो आप लिखना है, ठीक है जी। एक चीज़ आप गौर करनी है, मेरी गल ध्यान नाल सुन लो, ये फैक्टर्स ने अपने है, तो कॉमन फैक्टर भालदे सी, तो आप कॉमन फैक्टर लिखता। उदों बाद आप देखना है कि वो तो वह किन्ने कढ़ सकते हैं। सपोज करो हुण ये तो चलो सिंपल सीगा, इत्थे भी एक है, इत्थे भी एक है, इत्थे भी एक है। सपोज करो कि ऐ हुंदा, उपर तीन दो वारी हुंदे, नीचे तीन तीन वारी हुंदे, कितें तीन चार वारी भी हुंदा, तां इत्थों इन्हां तिन्नां विच्चों मैं कॉमन की कढ़दा। इत्थे मैं कढ़दा 3^2, क्योंकि मैनू पता है इत्थे दो है, इत्थे दो तो ज़्यादा है, इत्थे भी दो तो ज़्यादा है, तो घट्टो घट दो तो कॉमन है सारे च, 3^2। दो वारी तो तीन कॉमन ने सब च, इत्थे चार वार ने, इत्थे तीन वार ने, इत्थे दो वार ने, मैं कॉमन चार नहीं कढ़ सकता। 3^4, तीन की शक्ति चार मैं नहीं कढ़ सकता। क्यों नहीं कढ़ सकता? चार तो सिर्फ इत्थे, मैं तीन भी नहीं कढ़ सकता। क्यों नहीं कढ़ सकता? तीन इत्थे है, चलो इत्थे भी हैगा, फिर इत्थे नहीं हैगा। तो आप छोटे वाली जिहड़ी पावर होंदी है वह आप लैंदे हुंदे, ठीक है जी। अगला चीज़ जिहड़ी हैगी जी ध्यान रखने वाली, एल सी एम वेले। हुण देखो होर तो कुछ कॉमन है नहीं गा, ये आंसर इन्ना क्या बस, ठीक है। एल सी एम वेले क्या है, थोड़ी जी गल बड़ी इस तो उल्टी है, कॉमन तो चलो ठीक है गल। देखो इत्थे एक है, इत्थे एक है, इत्थे एक है, सब तो ज़्यादा वार वाला, ज़्यादा वार वाला, पिछली बार आप घट ला चुके से ना, जिमें सपोज करो तीन दो वारी हो, तीन तीन वारी हो, तीन चार वारी हो, एल सी एम कर लग्या आप वरतेंगे, आप वाला वरतेंगे, पर फिलहाल इतने सारे बराबर ने, तो एक लिख लिया तीन, ठीक है। एक चीज़ होर बार को आए, चलो बड़ा सोहना कारण है वैसे, हाँ जी तीन लिख लिया। एल सी एम खास गल यह है कि जेडे कॉमन लिख ले, जेडे कॉमन हैगे ने आप कढ़ लिया, उस तो अलावा जेडे फालतू बचे ने सारे चक लो, चक लो। दो दो बारी है लिख लिया जी, पांच एक बारी है लिख लिया, हाँ दो दो बार लिखना सी, पांच नू एक बारी, सात नू एक बारी। गल समझने की कोशिश करो, एक इत्थे दो दो बारी है, जे बाई चांस इत्थे भी हुंदा, बाई चांस जे इत्थे हुंदा, तां मैं इत्थे दो बार ही लिखदा, क्योंकि मैंने ये दिख रहा है दो बार इत्थे है, एक बार इत्थे है, तो मैं दो बार लिखूंगा, वध बार वाला। यह नहीं है कि इक्के दा दो इहदे तीन, तीन नहीं मैं लिखना, ठीक है जी। ये ध्यान रखना तुसीं, एल सी एम करन लग्गे मैथड थोड़ा जिहा अजीब लगेगा, बट मैथड इदा ही है। तो तुहानूं मैं एक अद्धा क्वेश्चन होर भी कढ़ के दिखाना, टेंशन ना लिओ। तो बस इन्हां दी मल्टीप्लाई करांगे आपां, ये आएगा 420, बस इन्ना कोई है, ठीक है। पवा दूँगा स्पैशली, देखो थोड़ी बुक के ना जोड़े है नहीं कम के क्वेश्चन, तो चिंता ना करो, मैं तुम्हें प्रैक्टिस वास्ते वधिया वाले क्वेश्चन दूंगा। आ एक सोहना जहा क्वेश्चन तुम लगेगा मेरे हिसाब न, यही मैथड 36, 45 ते 75, 2 ते गया 18, 2 ते गया 9, 3 ते गया 3, 3 वंस दा 3,
कोई डाउट तो नहीं? जे होया तो नीचे कमेंट करके जरूर दस्यो। तो 3 15 ते गया, 3 5 ते गया, 5 1s 5। एक गल होर सच, तुसी सबसक्राइब किया चैनल नू? कर लो यार, किहड़ा पैसा लगता है? कर लो। वैसे पता क्या होंदा, सानू फायदा होएगा, पैसे नहीं मिलते बट ये फायदा होएगा कि जिन्हें ज़्यादा सबसक्रिप्शन सानू मिलनगियाँ साड़ा चैनल उन्ना प्रमोट होएगा, आप होर भी अगे वधांगे। तो 3 तो गया 25, कंटिन्यू करते हैं। 5 5s 25 5 1s 5। तैयार, चलो इधरों चको इधरों लिखो, 36 45 75, 2 2s 3 3s, अगे 45 का बनया 3 × 3 × 5, 75 का बनया 3 × 5 × 5। तो देखो काम सौखा ही है, टेंशन बहुती ना लियो प्लीज़। तुहानू मैं तरीका दसदा, पता क्या, इदा लिख लो 2 किन्नी बारी ने 2 बारी, 2 raised to power 2, इंटू 3 किन्नी बार ने 2 बारी, ठीक है। इस तो बाद 3 किन्नी बार है 2 times, इंटू 5 किन्नी बार है 1 time, 3 किन्नी बार है 1 time, 5 किन्नी बार है 2 times। ओके जी, हुण की करना है, HCF वेले याद रखियो, दोबारा HCF वेले आप कॉमन देखो कि नंबर कॉमन नज़र आ रहे, जरा तिना च हो, 2 च नहीं मैं कह रहा, तिना च कड़े फैक्टर्स ने जो तिना च ने, 3 3 3 लग गया तो गरंटी इतने 3 आऊगा, चलो लिख के छड़ दो। उदो बाद सोचना है यदि घट्टो घट पावर किन्नी है, घट्टो घट पावर किन्नी है, इतने पावर 2 है, एक्सपोनेंट है जिन्हें आप घात अंक भी बोलते हाँ पंजाबी, इतने 2 है, इतने 2 है, इतने 1 है, तो तुसी कट वाला यूज करोगे, 1 यूज करोगे, गल क्लीयर। होर कुछ कॉमन, बच्चे कहते सर जी आ 5 दोनों च है, नहीं लेना यार अपन तो 3 चाहिए, ठीक है जी। तो 3 raised to power 1 का मतलब 3 ही आंसर आ गया। अगली गल जी देखो, मेरी गल ध्यान ना सुनियो, फिर उवें करांगे, HCF तो इतने खत्म हो जाता है, LCM वेले ना कॉमन, कॉमन कहड़ा 3 कॉमन है, तो उल्टा काम क्यों है, इतने उल्टा है क्यों, ध्यान ना समझो, बड़ा लवेंगे, बड़ा जिहड़ा एक्सपोनेंट है वह यूज करांगे, इतने 2 इतने 2 इतने 1, आप तो 2 लवेंगे भाई, ठीक है, इंटू 5 देखो इतने 2 बारी, इतने भी है, इतने भी है, ब पता क्या सीन होंगे, जो बाकी बज जाते ना फिर चक ले नहीं सारे, पर चक्कर लगे हमें ध्यान रखना, 2 इतने 2 बारी है, चेक करो कितने होर 2 तो नहीं लिखा पैना, ना है नहीं गा, तो चुपचाप 2 जोड़ा है जो भी है यूज कर, मल्टीप्लाई। सब तो मेन काम 5 1 बारी 5 2 बारी, 5 नू लेना है आपने बट 3 बार नहीं लेना, क्यों, 5 2 times लवेंगे, ठीक है जी, बड़े वाला लेना बस अपने, ठीक है जी, ए मेथड है। 3 3s 9, 2 2s 4, 5 5s 25, तो इन्हें मल्टीप्लाई करो, 25 4s 100, 9s 900, लो जी मुबारक, थोड़ा आंसर आ गया। तो ये नाल दे क्वेश्चन खड़ जाओ, मैं तुम दिना जाए ना कि 1 मिनट रुको, तुम फटाफट दिखाना, लो जी होमवर्क तो हम देन लगे आप, 15 25 and 30, दूजा आप देन लगे, हाँ मैं लिख के रखे भी इस साइड पे, तो इस तो बाद हाँ एक घंट है, 91 112 and 49, बस 3 क्वेश्चन बहुत है, छोटा जा होमवर्क थोड़े वास्ते,
इन्हों के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स लिखियो। ठीक है जी, इन्हों के एच सी एफ भी इन्हों के एल सी एम भी पता करने। फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम। ठीक है जी, तो इस वीडियो बस इन्ना कु ही। मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो के। वीडियो तुम्हें किमें लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके दस्यो जी। बाकी साड़िया होर वीडियोज़ के लिंक तुम्हें इतने मिल जाएंगे। सबसक्राइब जरूर कर लियो, वध तो वध प्लीज़ चैनल में शेयर करियो। तो अगर तुम मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे पेटीएम नंबर दिता हो। चंगा जी, सत श्री अकाल।